नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र पुरुषों के लिए ही बने होते हैं। उस क्षेत्र में महिलाओं को देखने पर वे अजीबोगरीब कमेंट्स भी करते हुए नजर आते हैं, और ऐसी विपरीत स्थिति में किसी का साथ मिला ना हो तो भी चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार कर रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र का चुनाव सविता त्यागी मैम ने कर दिखाया है। खुद की अपनी अलग पहचान बनाई। एक नारी ने कुछ कर गुजरने की ठान ली हो तो उसमें वे सफलता पाकर ही दिखाती हैं। ईमानदारी के साथ काम करने में हमेशा ही उनको पसंदीदा काम है उनका। आज उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते डिवाइन डेवलपर्स नामक एक फंड स्थापित कर उसमें वे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर है। आपको बता दें कि ये फर्म शहर की जानी मानी भरोसे की फर्म कहलाई जा रही है। लोगों का विश्वास जीते हुए रियल स्टेट में इसने बहुत सी प्रसिद्धि पाई है। दोस्तों, इन बिसिन की खास मुलाकात में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको परिचय दे दिया है, सविता त्यागी मैम जो कि डिवाइन डेवलपर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। चूंकि मैंने आपका परिचय हमारे दर्शकों को दे दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने शब्दों में अपना परिचय बताएं। हाँ मैडम, मेरा नाम सविता त्यागी है। मैं यूपी से रहने वाली हूँ और यूपी की रहने वाली हूँ और एक छोटे से गांव से हूँ मैं जी। तो अभी यहाँ आए हुए मुझे 2085 से नागपुर में एंट्री की मैंने। हाँ। लेकिन अभी मैं इस बिजनेस में बाद में आई हूँ। मैम, मुझे पता चला है कि आप 2005 से इस क्षेत्र में हैं। हाँ। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप इस क्षेत्र में कैसे आई, मतलब क्या सोच के आई, क्या आपको आपके फैमिली में ये कोई बैकग्राउंड में था ये इस फील्ड में, या फिर ये आपका ओन इच्छा थी कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है? हाँ नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, लेकिन कुछ परिस्थिति और कुछ घर का माहौल उसकी वजह से मुझे यहाँ पे रियल एस्टेट में आना पड़ा। और जो काफी मुझे पसंद है अभी, उसके लिए मैं काफी मतलब मेहनत भी कर रही हूँ और करना चाहती हूँ और आगे जाना चाहती हूँ। मैम, रियल एस्टेट के फील्ड में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, या फिर आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है? हाँ मैडम, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि इस फील्ड में पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है जी। जो वही काम आता है, क्योंकि पढ़ाई तो इसमें, पढ़ाई भी काम आती है ऐसा मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हुई है। लेकिन मेरे को जो नॉलेज ली है मैम, रियल एस्टेट की नॉलेज से आप आगे बढ़ सकते हो हमेशा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस फील्ड में आने से पहले आपने एज अ कहीं पर वर्क किया था? हाँ मैंने मैडम एक वास्तुविहार रियल एस्टेट फर्म शुरू हुई थी 2004 में, तो वहां पे मैंने एक दो प्लॉट खरीदे थे मैडम जी, तो वहां से ही समझ लो कि मेरी स्टार्टिंग हुई। और वो लोग जो मार्केटिंग करने के लिए हमको ये करते थे, तो उससे मैं प्रभावित हुई और उसके बाद मैंने ग्रेस लैंड में 6 महीने काम किया और काम करते करते मैंने वहाँ का वर्क सीखा। तो वहाँ जो पेपर वगैरह बनते हैं, मेरे को तो पहले 7-12 क्या होता है वो भी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं हाउसवाइफ थी, कभी बर्डी भी आई तो मैं कभी वापस कहाँ से जाना है मेरे को नहीं समझता था जी, एकदम हाउसवाइफ थी मैं। लेकिन मैंने जीरो से वहां पे स्टार्टिंग की और वहां सीखा काफी चीज, मुझे ग्रेस में सीखने को मिली, जो पेपर वर्क, ये रियल एस्टेट से क्या क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे लैंड लेते हैं, वो सब मैंने वहीं से सीखा। चूंकि हम अभी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले मैं कस्टमरों को या किसी भी बंदे को कहना चाहती हूँ कि वे लोकेशन तो देख लेते हैं, लेकिन उनके पेपर नहीं देखते जी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हो वो किसके नाम पे है, वो सैंक्शन है कि नहीं है, वो उसके पेपर सही बने हैं कि नहीं बने हैं, और बस यही सबसे ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। दोस्तों, इन बिसिन की खास मुलाकात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, इनबीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं
सविता त्यागी मैम से। मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि चूंकि आप एक लैंड डेवलपर्स को इतने सालों से संभाल रही हैं, तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि एक प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी खरीदते समय मैं किसी भी कस्टमर को या किसी भी बंदे को ये बोलना चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी का लोकेशन तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पेपर नहीं देखते। पेपर देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो किसके नाम पे है, उसका सात बार है किसके नाम पे है, जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ, मतलब क्लियर है कि नहीं है, उसको सर्च करना थोड़ा जरूरी होता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। जी मैम, मुझे बताइए कि हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि बहुत से प्रॉपर्टी वाले जब अपनी एड देते हैं न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में, तो वहां लिखा रहता है NATP सेंशन, NA सेंशन, RL प्लॉट, तो ये बताइए कि NA और NATP में क्या फर्क है। हाँ मैडम, जो NA प्रॉपर्टी होती है उसका सही उच्चारण ये है कि ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो चुकी है जी। जो कलेक्टर सेंक्शन करके हमको देते हैं जी, उसको भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो रूल बदल गए हैं उसके हिसाब से NA जमीन नहीं लेना चाहिए, NATP जमीन ले सकते हैं, जो कि अब गवर्नमेंट ने 2014 से RL में कन्वर्ट कर दिया है कि RL भी पहले गवर्नमेंट बाद में देती थी, अब वो RL के सहित बेचना शुरू किया है जिसमें फुल डेवलपमेंट भी दे दिया है और जो NMRD के रूल्स हैं उसके थ्रू ही हमको बेचना पड़ता है, जिसमें सीमेंट रोड, सीवरेज लाइन, पूरा डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि पहले कस्टमर को बहुत तकलीफ होती थी। क्यों, पहले हम क्या करते थे, पहले प्लॉट निकाले, NATP किया, जो कि मैंने तो कभी भी NA खाली नहीं बेचे हैं जी, NATP सेंक्शन करके ही हमने पूरे लेआउट आज तक बेचे हैं, जो हमारे कस्टमरों को उसका फायदा मिला है, और आगे भी मैं सोचती हूँ कि मैं पूरे काम जो है क्लियर करूँ। और उसके इसमें ये फर्क है कि जो टीपी होता है जी, उसमें जमीन बाद में नहीं कटती, NA अगर प्रॉपर्टी आप लोगे तो जब रोड बड़े बनेंगे, RL आएगा, तो उसके लिए आपका कटिंग हो जाएगी जमीन जी, जो प्लॉट आप ले रहे हो आगे से कटेगी, कॉर्नर कटेगा, और लैंड जैसे 7 मीटर की रोड रहती है और कोई 6 मीटर की भी रहती है, तो वो 9 मीटर की रोड आजकल कंपलसरी है जो गवर्नमेंट ने उसका ये किया हुआ है, तो वो कटेगा नहीं आपका। तो मैं चाहती हूँ कि आप NATP लो या RL प्रॉपर्टी लो जी। तो दर्शकों, देखा आपने कि प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें RL और NATP प्लॉट सेंशन है या नहीं, इस चीज पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। मैम, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी खरीदते समय और बेचते समय कई बार जो है हम लोग कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं किसी के, या फिर हमारे साथ ना चाहते हुए भी हमें दिखाया कुछ और जाता है प्रॉपर्टी और एक्चुअल में निकलता है कुछ और। हाँ, तो प्रॉपर्टी के मैटर में धोखाधड़ी के मैटर किस प्रकार से हो सकते हैं? हाँ मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं कहना चाहूंगी कि जब प्रॉपर्टी लेते समय कस्टमर को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी कौन से क्षेत्र में, वहाँ रेट क्या चल रहे हैं, क्लियर प्रॉपर्टी के रेट क्या है, और डिस्प्यूट प्रॉपर्टी हमेशा सस्ती रहती है मैडम। अच्छा। तो जो लेआउट वाले होते हैं वे लैंड तो खरीद लेते हैं, उसे क्लियर नहीं करते और वो प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होती है, तो वो प्लॉट क्या करते हैं, तो सेल लग नहीं सकती उनकी और वो लगा भी नहीं पाते क्योंकि सेंक्शन नहीं हुई है प्रॉपर्टी, तो वहाँ कस्टमर फंस जाता है। अच्छा। उसमें क्या करते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं, पैसे भी मांगते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब कोई भी लेआउट डाले, मैं तो यही चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी को क्लियर करके, सेंक्शन करके ही सेल करना शुरू करे, जिससे कभी भी कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी जी, है ना। और अपना जो काम है, हमारे को भी फायदा तभी होगा क्योंकि उनको भी फायदा नहीं हुआ उसमें, और सस्ते के चक्कर में कस्टमर ले लेता है क्योंकि वहां सस्ता मिल रहा है, क्योंकि उसका सेंक्शन नहीं है, सेंक्शन होता है तो हमारा खर्चा भी होता है, लैंड भी कटती है, उसमें काफी पैसा लग जाता है, तो इसके लिए उनका रेट बढ़ जाता है मेरा। और जो कस्टमर सोच रहा है कि मैं सस्ता ले रहा हूँ आप महंगा दे रहे हो, तो यहाँ थोड़ी हमको दिक्कत आती है, लेकिन कस्टमर फिर समझ जाता है कि नहीं, इनकी प्रॉपर्टी क्लियर है। मतलब प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत ज्यादा जांच परख के ये सब चीजें लेनी चाहिए। मैम, ये बताइए कि चूंकि आपका 17 सालों का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में, हाँ, तो क्या कभी आपके पैर ऐसे डगमगाए कि नहीं अब ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए? हाँ नहीं, क्या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? ऐसे मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, वैसे लगा नहीं मुझे कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि मैं बहुत मजबूत से खड़ी हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता,
मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है और मेरे को काफी आगे जाना है इस फील्ड में, क्योंकि अभी जहाँ मैं हूँ उससे भी मुझे कहीं आगे जाना है और मेरे काफी बड़े बड़े सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहूंगी कि आपका इन फ्यूचर आगे का क्या प्लान है। हाँ मैडम, मेरा एक बड़ों बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा उनके लिए कुछ मैं कर सकूं, जो आश्रम वगैरह बनाना चाहती हूँ मैं, जो बड़े बूढ़ों के, सास ससुर के या माँ बाप के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, बाहर चले गए आजकल जॉब में जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं कुछ, क्योंकि वे नहीं कर पाते, जॉब भी छोड़ नहीं सकते ना, तो माँ बाप का मन नहीं लगता है कि वे अपने सिटी में रहे हुए हैं, उनकी पहचान यहाँ है, तो मैं चाहती हूँ कि एक उनके लिए मैं कुछ आश्रम वगैरह या उनकी फैसिलिटी पूरी दूं उनको, और जो मैं उनके लिए कुछ सेवा कर सकूं, बस ये मेरा लास्ट में एक ये रहेगा कि मैं करना चाहती हूँ उनके लिए, वो जो मेरा थोड़ा सा इसके लिए चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये मेरा रहेगा। फिर भी मैम आपने बुजुर्गों के लिए इतना सोचा है, इसके लिए हमारे टिप्पू सारी टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस काम के लिए आपके। थैंक यू मैम, मुझे ये बताइए कि आज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी कम महिलाएं हैं जो रियल स्टेट के फील्ड में अपना मतलब किस्मत आजमाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही हैं रियल एस्टेट में भी, पहले महिला नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ महिलाएं हैं हिम्मत वाली जो यहाँ क्या है, पैर बहुत खींचे जाते हैं मैडम, हम महिलाओं के साथ थोड़ा सा जाती होती है, घर वाले नहीं चाहते कि हमारी लेडीज घर से बाहर जा रही है, वो रियल एस्टेट में जा रही है, जेंट्स लोगों के साथ काम करेगी, मेरे को भी ये दिक्कत आई थी, सबको आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये अपने मन में विश्वास रहना चाहिए और उसके लिए अपने को जो हिम्मत से काम लेना चाहिए, और कोई भी काम गलत नहीं होता है, गलत तो कोई भी काम हो सकता है, पर रियल एस्टेट ही गलत होगा ऐसा नहीं बोल सकता जी। मेरे साथ तो कभी गलत नहीं हुआ और किसी ने मुझे कुछ आज तक बोला भी नहीं है। परेशानी मतलब हर फील्ड में आती है पर जरूरत है मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए। मैम ये बताइए कि अभी तक हमने बात की महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को इस फील्ड में आने से दिक्कतें होती है या नहीं, आप ये बताइए कि युवा पीढ़ी में ऐसी कौन सी चीज नजर आती है जो नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन होते जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी क्या हो गया है मैडम, जैसे पहले जमाने में नेट का ये नहीं था, टीवी इतना ज्यादा नहीं देखते थे, ये मोबाइल नहीं थे, तो हमारी जैसी जनरेशन में हमको पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन आजकल बच्चों को थोड़ी नॉलेज ज्यादा बढ़ गई है, वे थोड़े खाली रहते हैं तो उसमें घुस जाते हैं, थोड़ा गलत भी हो सकता है उस चीज में, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, फिर ये पार्लर खुल गए हैं, फिर ये ऊपर से घूमने रात रात भर ये डांस क्लब वगैरह में जाते हैं, बस मुझे यही है कि देखो लेडीज का बच्चों का जो रहता है थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए और उनके माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस बारे में। मैम मैंने सुना कि एक वर्किंग वुमन होते हुए भी आपने अपनी तीन बेटियों को आज बहुत मतलब ऊंचे पोस्ट पे लाके रखा है, तो कैसा मतलब मैनेज करती हैं आप, एक तो घर भी और बाहर भी? हाँ जी, मेरी बेटियों ने मेरे को काफी सपोर्ट किया, जिससे मैं उन्हीं के सपोर्ट से शायद यहाँ तक पहुंची, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और पढ़ाई के बारे में मैंने कभी किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया, अगर मुझे कुछ काम है तो मैं वो काम पहले निपटा लेती थी और बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने टाइम निकाला है, क्योंकि बच्चे ही मेरे सब कुछ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है उन्हीं के लिए मैं करना चाहती हूँ जो भी किया। बच्चों को देखते हुए भी आज आपने इतना अच्छे मुकाम हासिल किया है, क्योंकि मेरी बेटियां भी अच्छी हैं इसलिए शायद मैं कर सकी, ऐसा हो सकता है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। मैम ये बताइए कि जब एज अ रियल स्टेट आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो जब आप अपना सेंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाती हैं, एनएमसी में जाती हैं, तो क्या दिक्कतें आती हैं वहां पर जाने पर आपको? हाँ मैडम, वहाँ मुझे थोड़ा काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो मेरे को लेडीज होने से वो समझते नहीं है कि ये लेडीज भी ये पेपर वर्क जानती है या ये कर सकेगी क्या, थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ हाँ हो जाएगा, रख दो कर देंगे, और पेपर वर्क करने के लिए मुझे बस वहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि लेडीज होने से वो सोचते हैं कि नहीं जेंट्स ही मोज नहीं करा सकते हैं या लैंड गिनवा सकते हैं या हमको पैसे दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे काम होते हैं जो हमको रियल इस्टेट में
लेडीज को और जेंट्स को थोड़ा फर्क मानते हैं, मतलब आपको लगता है कि नहीं इस फील्ड में कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ ही लगा है मुझे और कहीं नहीं लगा, लेकिन पेपर वर्क करते समय मुझे बहुत, फिर भी मैम आप एक दबंग लेडी के रूप में उभरी है, ये अपने आप में बहुत तारीफ की बात है। हाँ बस मुझे वो तो है कि मैडम मैं किसी से डरी नहीं हूँ आज तक, बस यही एक कॉन्फिडेंस था मेरा कि मैं किसी के सामने झुकी नहीं और मेरे से किसी ने गलत भी किया नहीं है आज तक जी। ये मुझे अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र में जब से मैं नागपुर में आई हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, शायद मैं यूपी में ये काम नहीं कर सकती थी जो मैंने यहाँ नागपुर में, नागपुर के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जैसे लेडीज का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मुझे कभी आज तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जी 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 धन्यवाद मैम। मैम मुझे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप बताइए कि आज की महिलाओं को आप अपने माध्यम से, चूंकि आज आपने इस फील्ड में रहते हुए और न सिर्फ अपने ही फील्ड के बारे में बल्कि अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने के साथ ही साथ आपने दोनों चीजें बहुत बखूबी निभाई हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज की महिलाओं को आप? हाँ मैडम, इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है लेडीज को, क्योंकि अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं। जो लेडीज हमेशा टीवी देखती रहती हैं, सीरियलों में घुसी रहती हैं, फोन पे रहती हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर वे टाइम निकालें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो लेडीज नहीं कर सकती। बच्चों के समय बच्चों को टाइम दो, बिजनेस के समय बिजनेस को टाइम दो, जॉब के समय जॉब का समय रहता ही है, और समय निकाल सकती है लेडीज। खाना भी मैं खाना भी बनाती हूँ मैडम, पूरा काम करके ही निकलती हूँ, पर वो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से काम करो तो सब होता है। बस मैं लेडीज को कहना चाहती हूँ मैडम कि अगर हिम्मत और उनका जुनून साथ रहे तो लेडीज कुछ भी कर सकती है। क्या बात है, देखा आपने, सविता त्यागी मैम ने कहा कि हिम्मत और जुनून के साथ अगर महिलाएं खड़ी हो जाएं तो उनके सामने सारी की सारी दुनिया ही फीकी हो जाती है। दोस्तों कॉम्प्रोमाइज जो शब्द मैडम ने यूज किया, ये हर इंसान के जीवन में एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप समझौता कर सकते हैं तो आप दुनिया में, पूरी दुनिया बदल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। घर और बाहर को किस तरह से मैनेज करके आज सविता मैम ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि वह आज रियल स्टेट में अपना नाम कमा रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। दोस्तों एनबीसीएन की खास मुलाकात में मैं रूपा पंडित देती हूँ आप सभी को यहीं पर इजाजत। आप बने रहिए और देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।